फिर हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात शुरू करते हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए तो पहला जो काम उन्होंने किया कि सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किया। एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्ट कर लिए और दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया, कंट्रोल क्रॉस कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया और उससे जो प्रोजेनिज मिले, जो नए प्लांट्स मिले उनकी उन्होंने स्टडी की। तो ये हुआ उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर दोज क्रॉस इन विच वी आर स्टडिंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जहां पर कि सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी किया जाता है बाकी सारे कैरेक्टर्स। एक प्लांट है, अगर पी प्लांट है तो उस पी प्लांट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर तो है नहीं, उसकी हाइट है, उसके पॉट का कलर है, उसके सीड का कलर है, सीड का शेप है, सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया। ओके, सिर्फ एक कैरेक्टर पर फोकस दिया गया, दैट इज द नोन एज द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन आर द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि मेंडल ने प्योर ब्रीड लिया। प्योर ब्रीड की बात क्लियर है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ब्रीड्स लिए, दो वैरायटीज लिए प्लांट के। एक प्लांट जो था वो 100% प्योर टॉल प्लांट था, दूसरा प्लांट जो लिया उन्होंने 100% ड्वार्फ प्लांट लिया। ये दोनों पैरेंट कहे गए पी से इंडिकेट करते हैं इनको, और इन दोनों के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो F1 प्रोजेनी फर्स्ट फीलियर प्रोजेनी में क्या पाते हैं कि 100% हाइब्रिड टॉल प्लांट्स मिले। सारे के सारे प्लांट्स भी मिले, वो कैसे मिले, टॉल मिले। ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल किनारे पड़ गया, गायब हो गया है। जो पहले के लोग कहते थे कि दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, वो सारी बातें यहां गायब हो गई। अब इसी ग्राउंड पर जब इन्होंने क्रॉस कराया और इसी ग्राउंड पे इन्होंने जो पॉस्टुलेट्स आए, वो पॉस्टुलेट्स कलेक्टिवली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, टू वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स आए। अब टू वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स में पहला क्या है, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स और लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स, इसका नाम है। मोस्टली एक बात इसके बारे में बताना चाहते, मोस्टली बुक्स में एनसीईआरटी ने भी ने इसको मेंशन नहीं किया है, तो हमारी जो स्टडी है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम तक लिमिटेड नहीं रखना है, अपनी तैयारी हमको नीट के लेवल पर करनी है। ओके, तो ये सारी एडिशनल चीजें जरूरी हैं इंक्लूड करना, इसको क्लियर करते चलेंगे। तो पहली बात जो आई कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स आर यूनिट कैरेक्टर्स, एक दिया। दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो एनसीईआरटी कवर करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस से के बाद, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही तीन कवर किए जाते हैं मैक्सिमम बुक में। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स या लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स की बात नहीं होती, लेकिन हम लोगों को बात करनी है। तो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स या लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द कैरेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस, ऑल द ट्रेड्स विल बी एक्सप्रेस वेन एवर
द फैक्टर्स आर रिमेन इन पेयर्ड कंडीशन। इन्होंने क्या क्या कि जब तक अब हम उसको जीन्स कहते हैं, फैक्टर्स पेयर में नहीं होंगे तब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों किस कैटेगरी में रखे गए हैं, तो टू वेरिएबल प्रिंसिपल्स हैं, इनके एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी दे दूं कि हेमिजाइगस कंडीशन जब होता है, ह्यूमन मेल की कंडीशन में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम में दो अलग अलग टाइप के हैं क्रोमोजोम, दोनों एक दूसरे के होमोलोगस तो है नहीं, लेकिन वहां पर मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस होती है, तो इसका का एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। इसी तरह लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी एक्सेप्शन हैं, अभी हम चलेंगे तो आगे नेक्स्ट बात करेंगे, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस की बात आती है, मल्टीपल एलेलिज्म की बात आती है। ये तीन पॉइंट्स जैसे हम यहां कह रहे हैं कि पेयर्ड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इन फैक्टर्स आर कैरेक्टर्स, क्या कह रहा है कि ऑल द ट्रेट्स विल बी एक्सप्रेस ओनली इन दैट कंडीशन वेन एवर द एलील्स आर इन पेयर्ड कंडीशन। जब एलील्स पेयर्ड कंडीशन में हो जाएंगे तो कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, सॉरी कोई ट्रेट एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी से इसको वेरिएबल प्रिंसिपल में रखा गया। इसका एक्सेप्शन हेमिजाइगस कंडीशन में होगा, मल्टीपल एलेलिज्म होगा, जहां पर कि मोर देन टू एलील अपने आप को एक्सप्रेस करने, किसी एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो से ज्यादा एलील की जरूरत होती है, तो एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं जहां इस वजह से इन दोनों को लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स और यूनिट कैरेक्टर्स एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों को वेरिएबल प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं, कि यहां पर वेरिएशन है, ये कॉन्स्टेंट नहीं होते। लेकिन ये जो दो टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनमें वेरिएशन नहीं होता, इनमें कोई एक्सेप्शन के चांसेस नहीं है। इन ऑल द केसेज देयर विल बी द सेग्रीगेशन इज कन्फर्म, सेग्रीगेशन होगा ही होगा। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स फॉर्मेशन के केस में क्या होता है कि पेयर्ड कंडीशन टूट जाता है, तभी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का केस होता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कन्फर्म है, इसमें वेरिएशन नहीं होता। तो इसलिए इन दोनों को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स माना जाता है और इन दोनों को वेरिएबल प्रिंसिपल कहा जाता है। तो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द ट्रेट्स विल बी एक्सप्रेस ओनली इन दैट कंडीशन वेन एवर द एलील शुड बी इन पेयर्ड फॉर्म, जब कि दो एलील एक साथ जुड़ेंगे तभी कोई ट्रेट एक्सप्रेस होगा, चाहे वो टॉलनेस की प्रॉपर्टी हो या ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी हो। वो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर प्योर ग्रीन एक दिखाया गया, अगर एक टॉल प्लांट इंडिकेट किया जा रहा है, तो टॉल प्लांट्स में ये जो अल्फाबेट्स दिखाया जा रहे हैं, डबल टी हम दिखा रहे हैं, डबल टी दोनों में, टॉल के लिए कैपिटल डबल टी और स्मॉल के लिए ड्वार्फ के लिए स्मॉल डबल टी इंडिकेट किया जा रहा है। एक बात और इसके साथ क्लियर हो जानी चाहिए कि सारे टाइप के क्रॉस में, ये ऑल टाइप्स ऑफ द क्रॉस टू इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो इंडिकेट किए जाएंगे वो फर्स्ट अल्फाबेट होगा डोमिनेंट ट्रेट का। डोमिनेंट ट्रेट जैसे इसमें हमने कैरेक्टर के अनुसार लिया है, तो हाइट ऑफ द प्लांट लिया, तो हाइट ऑफ प्लांट में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक तो टॉल प्लांट है जो डोमिनेटिंग ट्रेट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है जो कि रिसेसिव ट्रेट है। तो टॉल टर्म से टी लिया गया और डोमिनेटिंग को इंडिकेट करने के लिए, डोमिनेटिंग कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हमने क्या लिया, पेयर ऑफ कैपिटल टी। लेकिन वहीं पर ड्वार्फ को इंडिकेट करने के लिए
स्मॉल टी लिखा गया और स्मॉल टी का पेयर दिया गया। अब जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म के गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो यहां पर एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, दूसरा कैपिटल टी अलग होगा। ये गैमेटिक कंडीशन है, गैमेट फॉर्मेशन होंगे और यही कंडीशन इसमें भी होगी। स्मॉल टी का एक अलग हो जाएगा, दूसरा टी अलग हो जाएगा। ये बात अभी आएगी लास्ट सेग्रीगेशन में, उसके बाद में तो ये अलग हो रहे हैं, गैमेट बने, अनपेयर्ड कंडीशन हो गई। तो अनपेयर्ड कंडीशन होने में पर ये अपने ट्रेट्स को इंडिकेट नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब यही गैमेट्स यूनाइट हो रहे हैं F1 प्रोजेनी में, जब पेयर कंडीशन में आ रहे हैं तो यहां पर अपने ट्रेट्स को इंडिकेट कर पा रहे हैं। तो यही कंडीशन हो गई लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स या लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर गेट पर। दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अमंग द पेयर ऑफ एलील्स, एक पेयर एलील है तो इस पेयर एक कंडीशन में बोथ द एलील व्हेन एवर नॉट सिमिलर टू इच अदर, एक दूसरे से सिमिलर नहीं जब है तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ये दो उंगलियां हैं, दोनों उंगलियां बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी भी एंगल से आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, ये बड़ी वाली उंगली दिखाई पड़ेगी, बड़ी वाली उंगली दिखाई पड़ेगी, कन्फर्म है, चाहे इस एंगल से आए चाहे किसी भी एंगल से आए देखें। लेकिन अगर आप इस साइड से देखें तो ये छोटी वाली उंगली छिप जा रही है। वही कंडीशन है यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में कि एक एलील दूसरे एलील को मास्क कर देता है, ढक देता है, उसको एक्सपोज नहीं होने देता, क्या करता है उसको ढक देता है, उसकी प्रॉपर्टी को सप्रेस कर देता है, वो कैरेक्टरिस्टिक वो ट्रेट उसका एक्सपोज होकर नहीं आता। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द पेयर ऑफ एलील्स ओनली वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस टू देमसेल्व फॉर द कैरेक्टर्स, एक ही एलील एक्सप्रेस करेगा, एंड दैट मास्क टू द अनदर वन एलील, वो दूसरे वाले एलील को ढक देगा, उसको छिपा देगा प्रॉपर्टी को, दूसरा एलील अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई यहां पर मिक्सिंग नहीं है, कोई ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। हम देख रहे हैं ना कि जितने भी प्लांट्स मिले सबके सब टॉल है, 100% हाइब्रिड तो है। अब इनका जो ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप में ये एक जैसे नहीं है, एक कैपिटल टी है तो उसके साथ एक स्मॉल टी है, लेकिन इनका फिजिकल फीचर क्या है, सबके सब टॉल हैं। अब यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर से एक बार रिव्यू कर रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउट ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स, एक जोड़ा एलील का जो है उसमें से सिर्फ एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट डेवलपमेंट में, ट्रेट के एक्सपोजर में, जबकि दूसरे वाले एलील को वो ढक देता है, सप्रेस कर देता है, दूसरे वाला एलील एक्सपोज नहीं हो पाता है। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, ये एक्सेप्शंस हैं। तो इसी वजह से ये दोनों क्या हुए, तो वेरिएबल प्रिंसिपल्स हो गए। ओके, अब
ये दोनों वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट में आता है कौन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में पहला जो नाम आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। इसमें से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने के लिए हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस का सपोर्ट लेना पड़ता है। मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात उन्होंने डिस्कस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिर्फ ये तीन लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एलियंस विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। पेयर कंडीशन में है, यहां पेयर कंडीशन है, एलियंस विच आर इन द पेयर कंडीशन दे शुड बी कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो एलियंस गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में एक दूसरे से विशुद्ध रूप से बिना किसी मिलावट के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां हम लोगों ने बात की थी कि ये गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट्स में दोनों अलग अलग हो गए एलील्स, तो यहां पर तो दोनों एलील्स इसके दोनों एलील एक जैसे हैं, इसके भी दोनों एलील एक जैसे हैं। यहां तो कोई मिक्स होने या हाइब्रिडाइजेशन वाली कोई बात तो है नहीं, लेकिन यहां तो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है। अब इस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहां पर दो तरह के गैमेट फॉर्म होंगे। 50% गैमेट वो होंगे जो कि कैपिटल टी वाले होंगे और 50% कौन होंगे जो कि स्मॉल टी वाले होंगे। ये क्लियर, 50% गैमेट्स विद द प्योर टॉप ट्रेट्स इंडिकेटर। अगर ये जहां जाएंगे जिस प्रोजेनी में जिस ऑर्गेनिज्म जो नया बनेगा तो उसमें ये टॉलनेस की प्रॉपर्टी इंडिकेट करेंगे और ये ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी इंडिकेट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, वो चाहे प्योर ब्रीड हो या हाइब्रिड हो, किसी भी कंडीशन में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स जब बनेंगे तो एलील बिल्कुल बिना किसी मिलावट के बिना किसी इफ बट के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे विथ देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना। इसको ऐसे भी कह सकते हो एट द टाइम ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स बोथ द एलील्स विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन प्योर फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए जब दो एलील एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई मिक्सचर नहीं होगा, तो वो कंडीशन है। वो लॉ जो आया वो क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एक बात फिर से रिपीट करते चलो दिमाग, ये सारे पॉस्टुलेट्स थे। मेंडल ने जब सारा काम किया तो इस ये पॉस्टुलेट्स ही रहे, ये प्रिंसिपल फॉर्म में नहीं कंसीडर किए गए, प्रिंसिपल नहीं बने। प्रिंसिपल कब ये हुए या लॉज कब हुए, जब सेरमार्क, कोरेंस और ह्यूगो डीब्रिज ने फिर से इस पर काम किया और इसको कंफर्म किया कि नहीं ये सही है,
मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट, सारा पॉस्टुलेट इनका एक्यूरेट है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने दिया वो बिल्कुल सही है, तब जाकर ये लॉज के फार्म में कंसीडर किए गए और लॉ कहे जाते हैं। तो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी कौन कौन सी डिस्कस करती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ बैंड्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन्हीं तीनों की बात करती है। एडिशनली एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जानना जरूरी है लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स और लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन इसमें ये बात भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये वेरिएबल प्रिंसिपल्स कहे गए, ये दोनों वेरिएबल प्रिंसिपल कहे गए। क्यों कहे गए, क्योंकि इनके एक्सेप्शंस मौजूद है नेचर में, बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस है, इसलिए ये वैरी करते हैं, सब जगह यूनिफॉर्मली ये फिट नहीं होते। लेकिन ये दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहे गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहे गए। ये इसमें वेरिएशन नहीं होता, ये यूनिफॉर्मली हर केस में इंप्लीमेंट होता है लॉ। तो ये तीन लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स क्या है, कि दैट कंडीशन वह स्थिति जबकि एलील जोड़े में होंगे तभी कोई ट्रेट एक्सप्रेस होगा, कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जब एम्पेयर्ड कंडीशन में है तो नहीं होगा। ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि आउट ऑफ द पेयर, अमंग द पेयर ऑफ एलील्स ओनली वन एलील कैन एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स एंड मार्क्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर वन एलील वेन एवर दैट इज इन हेटरोजाइगस कंडीशन। यहां ध्यान रखो, अगर जब हेटरोजाइगस कंडीशन है, दो अलग अलग है तब, जब दोनों एक ही जैसे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब हेटरोजाइगस कंडीशन है तब की ये बात है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है बंटवारे की बात है भाई, लेकिन ये बंटवारा कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनते हैं तब ये बंटवारा होता है। एक बात यहां और इंक्लूड करना जरूरी है और वो क्या, कि पहली बार मेंडल ने इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया कि भाई प्रोसेस कुछ ऐसी प्रोसेस है जो इन जनरल सेल डिवीजन से थोड़ी सी अलग है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तो मियोसिस के प्रोसेस से होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा जहां पर कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, डिप्लॉयड सेल्स से हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारा पॉस्टुलेट बेसिकली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखना कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के को बेस में रख के किया गया है और ये कंसीडर किया गया कि जब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से गैमेट्स बनेंगे और ये गैमेट्स कैसे होंगे, तो ये हैप्लॉयड होंगे। ये गैमेट्स कैसे होंगे, तो गैमेट्स हैप्लॉयड होंगे। ओके, तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि जितने भी गैमेट्स बनते हैं ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी गैमेट्स बनते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं। पिछले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात किया था, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी बात किए थे कि गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस, स्पेशली जब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग की बात जब करते हैं तो क्या हम पाते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली वो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल की डिपेंड करता है, न कि फीमेल से उसका कोई रिलेशन है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फीमेल के केस में जितने भी ओवम्स प्रोड्यूस होंगे वो सब के सब एक जैसे होंगे, लेकिन मेल के केस में 50% जो एस्पर्म होंगे
वो एक्स क्रोमोजोम बियरर होंगे और 50% क्रोमोजोम्स जो होंगे वो वाई क्रोमोजोम बियरर होंगे। तो वहां पर 50-50 का चांस कहां से बन रहा है, तो मेल की बॉडी से बन रहा है। तो यही कंडीशन ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं है, सारे के सारे गैमेट्स बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।